अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग फेस होंगे। आज की इस वीडियो में आप सीखेंगे कि डेस्कटॉप के ऊपर न्यू फोल्डर को कैसे बनाया जाता है और दूसरा न्यू फोल्डर को बने हुए फोल्डर को दोबारा रीनेम करना, उसको दोबारा फिर नेम देना वो कैसे काम किया था, उसके बाद फोल्डर को डिलीट कैसे किया जाता है। तो सबसे पहले जो आपको मैं बनाना बताऊंगा वो न्यू फोल्डर को कैसे बनाना है डेस्कटॉप के ऊपर। तो उसके लिए आपने कहीं भी राइट क्लिक करना है डेस्कटॉप के ऊपर, राइट क्लिक करें, उसके बाद यहाँ से आपको या वो मिलेगा न्यू, ठीक है। यहाँ पर आपने कर्सर को पॉइंट लिख लिया, उसके कर्सर को पॉइंट पर क्लिक कराना है। उसके बाद इसमें आपको नज़र आएगा फोल्डर कि आप जब वो न्यू फोल्डर बनाना चाहते हैं इसके ऊपर आपने जब वो कर देना है क्लिक। तो ये जैसे आपने क्लिक किया फोल्डर के ऊपर तो ये एक न्यू फोल्डर डेस्कटॉप के ऊपर बन गया है, ठीक है, फोल्डर बन गया। उसके बाद आप इसको जब वो कोई नेम देना चाहते हैं अब, ठीक है, तो इसको आप करें सेलेक्ट। सेलेक्ट करने के बाद राइट क्लिक करें और उसके बाद यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हैं, इस फोल्डर को कोई नेम दे सकते हैं। तो फोल्डर को इसको मैं नेम दे रहा हूँ कंप्यूटर। नेम लिख लिया, उसके बाद आपने प्रेस करना है इंटर का बटन। तो देखिए इस फोल्डर को आ जाए वो एक नेम मिल जाएगा। अब एक तो राइट क्लिक करके मैंने इसको रीनेम करके बताया आपको, दूसरा इसकी शॉर्टकट की भी इस्तेमाल होती है कि किसी भी चीज़ को जब आप रीनेम कोई नेम वगैरह देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। तो उस चीज़ को सेलेक्ट करें जिसको आप नाम जो वो बदलना चाहते हैं। उसके बाद अपने कीबोर्ड से F2 का बटन प्रेस करना है, F2। ये देखिए सेलेक्ट, जैसे मैंने F2 जब वो प्रेस किया बटन दबाया तो ये देखें फौरन जब वो उसके जो कर्सर है वो एक्टिव हो गया, ठीक है, ब्लिंकिंग कर रहा है। तो अब आपने क्या करना है, यहाँ पर इसको कोई और नाम दे लें, देखिए इसका मैंने जो है नाम चेंज कर दिया। उसके बाद दोबारा इंटर का बटन प्रेस कर दिया। तो ये होगी दूसरी चीज़, एक फोल्डर को बनाना फिर उसके बाद उसको रीनेम करना। अब चीज़ है वो लास्ट वाली, वो है कि फोल्डर को डिलीट कैसे करना है, ठीक है। तो डिलीट करने के भी दो तरीके, एक आप माउस के साथ, ठीक है, सेलेक्ट करें, राइट क्लिक करें और उसके बाद डिलीट ऑप्शन आपको नज़र आएगा, इसके ऊपर आपने क्लिक करना है, यह फोल्डर जो है वो डिलीट हो जाएगा। उसके बाद एक आई शॉर्टकट की, कीबोर्ड के मदद से आप इसको डिलीट करना चाहते हैं तो उसके लिए क्लिक करें, इसको सेलेक्ट करें इस फोल्डर को और उसके बाद अपने कीबोर्ड से Ctrl+D, पहले कंट्रोल को दबाना है और उसके बाद साथ ही आपने डी को प्रेस करना है तो ये फोल्डर जो है वो डिलीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसके भी वो दो तरीके हैं, एक माउस के साथ भी और एक कीबोर्ड की शॉर्टकट की मदद से भी आप इसको डिलीट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में आपने देखा कि न्यू फोल्डर को कैसे बनाया जाता है, फिर उसके बाद फोल्डर को नेम देना और उसके बाद थर्ड ऑप्शन जो है वो ये था कि फोल्डर को कैसे डिलीट करना है। तो ये थी आज की वीडियो। वीडियो को आपने लाइक करना है, कमेंट करना है और चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करना है ताकि मज़ीद वीडियो के नोटिफिकेशन जो है वो आपको मिलते रहें।